अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप आशीष किचन पे जाके सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप इसके अपडेट्स पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष किचन। आज मैं आपको एक बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी स्नैक्स आइटम बताने जा रही हूँ जो बहुत ही क्विकली और बहुत ही ईजिली बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं साबुदाना वड़ा। ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो आइए हम फटाफट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, साबुदाना वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप साबुदाना लिया है, जिसको हम अच्छी तरह से 2 to 3 टाइम वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो स्टिकनेस है वो चला जाए। और उसके बाद हम थोड़े से वाटर में इसको सोक कर देंगे एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए। और वड़ा बनाने से पहले हम अच्छी तरह से इसका वाटर ड्रेन आउट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, साबुदाना वड़ा बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे हमने सोक किया हुआ अपना साबुदाना लिया हुआ, जिसे हमने 3 आवर्स के लिए सोक किया था वाटर में, वाटर ड्रेन आउट कर दिया है अच्छी तरह से। और अब आप देख सकते हैं कि इसके दाने काफ़ी फूले फूले और बड़े बड़े हो गए हैं, और जब हम मैश करेंगे तो वह अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, और यहाँ पर 1/2 इंच जिंजर को, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली और करी लीव्स को फाइनली चॉप कर लिया है। और चॉप करके हमने सभी चीज़ों को यहाँ एक बाउल में ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया हुआ है। सॉल्ट हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। 1/2 कप रोस्टेड पीनट को ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में ऐड किया है इसे। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और अब हम अपना साबुदाना वड़ा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने बॉइल्ड पोटैटो को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम साबुदाने में ऐड कर रहे हैं अपने बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज, रोस्टेड पीनट पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और अपने कटे हुए जिंजर, कोरिएंडर लीव, करी लीव्स और ग्रीन चिली। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अपने हाथों के हेल्प से हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं रहे, और उन सभी को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमारा जो मसाला है साबुदाना वड़ा का, वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो आइए अब हम अपने वड़े को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम थोड़ा सा अपना जो मसाला है वो हाथ में लेकर उसे गोल राउंड करके उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमारा वड़ा बन के रेडी होगा। और इस तरह से हमें अपने सारे वड़े को इस तरह से बना लेना है ताकि हम उसको फ्राई करना शुरू करें। यहाँ पे हम थोड़ा हेल्दी साबुदाना वड़ा बना रहे हैं, जिसके लिए हम उसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। हम पैन में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के और इसे दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। उसके पहले हम अपने सभी वड़ों को अपने हाथों की हेल्प से इस तरह से प्रेस करके गोल गोल सा बना लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पैन को हीट अप करते हैं मीडियम फ्लेम पर। सो फ्रेंड्स, अब हमारा पैन हीट अप हो गया है। हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे।
और अब हमारे जो बने हुए वड़े हैं हम उनको ऐड करेंगे इस हॉट ऑयल में और उन्हें इस तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर में हम इस पे 1-2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे ऊपर से। इन ऑयल को हम थोड़ा सा स्प्रिंकल इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो और थोड़ा हमारे वड़ा में क्रिस्पीनेस आए। उसके बाद हम इन्हें लिड से कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स हम चेक करेंगे कि हमारे वड़े जो हैं वो वन साइड से अच्छी तरह कुक हो गए हैं, तब हम उन्हें टर्न कर देंगे ताकि वो अदर साइड पर अच्छी तरह से कुक हो जाए। और सभी को टर्न करने के बाद हम फिर से इनको लिड से कवर कर देंगे और इनको फिर से 5 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से कुक होने देंगे। ये फ्रेंड्स, अब हम चेक करते हैं अपने वड़ों को, वो दूसरे साइड भी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। दोनों साइड हमारे वड़े बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होके कुक हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा साबूदाना वड़ा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में भी और देखने में भी। साबूदाना वड़ा को सर्व कर सकते हैं ब्रेकफास्ट आइटम में या फिर स्नैक्स में किसी भी तीखी या मीठी चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है।